और बिहार के पटना साहिब सीट पर इस बार लड़ाई दो फिल्म स्टारों और एक पूर्व मंत्री के बीच है। बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा दोबारा चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म के जाने माने हीरो कुणाल सिंह, जबकि आम आदमी पार्टी से हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री परवीन अमानुल्लाह। अब जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, क्षेत्र में दौरे के साथ साथ नेताओं की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। बिहार की पटना साहिब सीट इस बार फिल्मी हो चली है। एक तरफ फिल्मों में अपनी अलग संवाद अदायगी के लिए मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको चुनौती दे रहे हैं कभी उनके फिल्मी साथी रहे अभिनेता कुणाल सिंह। दोनों इस चुनावी समर में आमने सामने हैं। जोर शोर से प्रचार में लगे शत्रुघ्न और कुणाल गलियों में घूम घूम कर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश में लगे हैं। ये जीत जो है आपके प्यार की जीत होगी, और इस जीत के खातिर सबसे बड़ी बात, ये जीत जो है भारत के दूरदर्शी दबंग और एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी की जीत होगी। वो फिल्मों के हीरो हो सकते हैं, मैं तो जनता के प्यार से जनता का हीरो बन के रहूंगा। इन दोनों फिल्मी सितारों के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह। परवीन ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर जेडीयू छोड़ी और आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। परवीन का दावा है कि दो हीरो के चुनावी मैदान में आने से उनकी राह और आसान हो गई है। ऐसे तरह के प्रतिनिधि थे पटना साहिब के, जो कभी जनता के बीच नहीं आते जाते थे, कभी उनके संघर्ष में शामिल नहीं हुए, कभी उनके कोई शिकायतों का निवारण करने के लिए नहीं प्रयासरत हुए, तो जनता उनसे बहुत नाखुश है। बिहार में दूसरे चरण में राजधानी पटना समेत बिहार के 7 लोकसभा सीटों पर 17 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाकर ये तीनों उम्मीदवार खुद को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसमें जनता का हीरो बनने के लिए जंग लड़ रहे दो स्टारों की स्क्रिप्ट और डायलॉग इस बार जनता लिखेगी, मगर काउंटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि जनता के इस बॉक्स ऑफिस पर कौन हीरो हिट करता है या फिर आम आदमी की बारी आती है। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7।